So like you are from medical stream or engineering? How is it like जे दे सकते हैं आप इस पेपर के बाद या और प्रैक्टिस की जरूरत है अभी? इस पेपर के कंपैरिजन में तो जे काफी टफ होता है, लेकिन पेपर वाला काफी अच्छा था, इजी था, मतलब बेसिक लेवल था, एनसीईआरटी लेवल था। जे तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टफ होता है। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट ईयर जे के लिए प्रिपेयर करेंगे, डू यू हैव एनी टिप्स और प्रिपरेशन टिप्स फॉर देम? मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर जेई। कैन यू प्लीज टेल योर नेम? ज्योतिरादित्य। ओके, सो केमिस्ट्री का पेपर लाइक व्हिच वाज द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन? आई डोंट नो, बट व्हिच सेक्शन आई गेट दैट इज वेरी इजी। ओके, देयर वर डिफरेंट सेट्स इन द एग्जाम? यस सर। ओके, एंड लाइक हाउ मच स्कोर आर यू एक्सपेक्टिंग? लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। Okay, let's just jot it down. How well are you prepared for JEE after this exam? Yes, I'm preparing for JEE, but due to board preparation, that is not means that much good. After board, I will do that. Okay. So it's like, आपके पास कोई suggestion है JEE aspirants के लिए अभी कि क्या करना चाहिए ऐसे paper के chemistry के paper के बाद? Board के बाद छोड़ दो बिल्कुल। खुशी। ओके, हाय, वी आर फ्रॉम टेस्ट प्रेप कार्ड एंड वी वुड लाइक टू नो कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम? इट वाज मॉडरेट। एंड आर यू फ्रॉम लाइक आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई? नीट। सो लाइक इस एग्जाम के बाद हाउ मच डू यू थिंक यू नीड मोर प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम? एक्चुअली थ्योरिकल, सो मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब कॉन्सेप्ट्स की, तो मतलब इसके हिसाब से लगाए तो हो जाएगा। सेम, सो लाइक हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग और डू यू हैव एनी सजेशंस यू वांट टू गिव टू अदर पीपल आउटसाइड? एनसीईआरटी थ्योरी भी करना है और बैक एक्सरसाइज भी करके आना है, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आ गए। पीवाईक्यूज करना है। थैंक यू गाइज, गुड लक फॉर योर एग्जाम। What's your name? Sneha. And what about you? Lakshmi. And you are? Kanishka. Okay. Hi, we are from Test Prep Card. And we would like to know ki aapke according aap apni NEET ki preparation kar rahe ho JEE ki? Aapki NEET ki? So NEET ke exam ke according kaisa tha chemistry ka exam board ka? Sahi tha, matlab easy tha. Agar aap padh ke aaye to bahut easy hai paper. Ekdam acha tha. What about you? नीट की प्रिपरेशन के लिए मतलब बेटर था कि इस बार टर्म टू इजी था टर्म वन के अकॉर्डिंग। ओके, एंड लाइक अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्कोर का? स्कोर अभी मतलब पहले पिछले साल भी कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी बस मतलब जितना पढ़ा है उसमें जो आ जाएगा ठीक है, बट नीट के लिए अभी दो तीन मंथ्स हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम। तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम था एंड आई वुड लाइक टू नो एज पर योर प्रिपरेशन कैसा रहा आपका एग्जाम? Preparation ke according it was nice, it was okay, it was easy, quite easy. And which entrance exam are you preparing for? CUET and JEE. And do you think like after this exam you are well prepared for the chemistry section in the JEE? I think I need quite working on that section because ye both ka level aur JEE ke level mein bahut difference hai, JEE ke level bahut upar hai. थोड़ा टफ था बाकी ऑर्गेनिक इट वॉज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट लगता है सारे उस पर। सो या। ओके, थैंक यू।